एक नदी में चार मेंढक रहते थे। एक दिन की बात है, उस नदी के किनारे एक बड़ा सांप आया। उस सांप को देखकर चारों ही मेंढक पानी में छुप गए। मेंढकों को छुपता देखकर सांप ने विनम्र स्वर में कहा, देखो तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे तो एक ब्राह्मण ने श्राप दिया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सांप की बात को सुनकर चारों मेंढक तालाब से बाहर आए। बड़े मेंढक ने सांप से कहा कि ब्राह्मण ने श्राप दिया है तो तुम यहाँ क्यों आए हो। सांप ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर मैं मेंढकों की सेवा करूँगा तो मेरा श्राप मिट जाएगा। सांप की बात को सुनकर मेंढक खुश हो गए। चारों ही मेंढक सांप की पीठ पर बैठकर उसके साथ घूमने लगे। सभी मेंढकों को बड़ा मजा आया और वे बहुत खुश हो गए। अगले दिन बड़े मेंढक ने सांप से कहा कि आज हमें फिर से घुमाओ। तब सांप ने बड़े मेंढक से कहा कि मुझे भूख लगी है, जब तक मैं खाऊंगा नहीं तो मैं तुम्हें घुमाऊंगा कैसे। तब बड़े मेंढक ने कहा कि तुम जब घूम के वापस आ जाओ तो छोटे वाले मेंढक को खा लेना। इस तरह सांप चारों मेंढकों को घुमाने लेकर गया और वापस आकर उसने सबसे छोटे मेंढक को खा लिया। अगले दिन बड़े मेंढक ने सांप से कहा कि हम तीनों को घुमा लो और फिर तुम दूसरे मेंढक को खा लेना। सांप तीनों को घुमाने लेकर गया और उसने फिर से एक मेंढक को खा लिया। इस तरह सांप एक एक करके तीनों मेंढक को खा गया। अब बड़े मेंढक को लगा कि अब वह अकेला सांप की पीठ पर घूमेगा। सांप ने उसे बातों में उलझाया और अपनी पीठ पर बिठाया। तालाब के किनारे ले जाकर उसने बड़े मेंढक को भी खा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुश्मन की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए।